इलाज बस एक ही है, आपको ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतनी होगी। हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस क्या है, क्यों ये इतना डेंजरस है, कहां से फैला है, किस तरीके से वर्क करता है और सच में इसका इलाज क्या है, क्या इससे बचने का कोई तरीका है, तो चलिए सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक बात कह देती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सीरियसली आप इसको शेयर जरूर करना क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोरोना वायरस क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। 2003-2002 में कोरोना वायरस को पहली बार चाइना में देखा गया। उस वक्त तो कोरोना वायरस से कम नहीं तो 40 से 50 लोगों की मौत हुई थी और 800 के करीब लोग संक्रमित थे। इसके बाद इसका एंटीडोट यानी कि इसका इलाज बना लिया गया और उसके बाद पेशेंटों को ठीक कर दिया गया, तब ये थम गया था। लेकिन अभी हाल ही में दिसंबर महीना 2019 में कुछ केसेस आए कोरोना वायरस के। उसके बाद 2020 जनवरी यानी कि जस्ट इसी मंथ में बहुत सारे केसेस देखने को मिले। अब यहाँ पे बात ये थी कि कोरोना वायरस अगर आया है तो उसका इलाज क्यों नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है कि पहले कोरोना वायरस, अगर एक नाम आप सुन रहे हो कोरोना वायरस, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही वायरस है, ये पूरे वायरसों की फैमिली है, ठीक है। जब 2003-2002 में जो कोरोना वायरस आया था उसमें 7 थे जिसमें उनके एंटीडोट ढूंढ लिए गए और उस टाइम पे इलाज हो गया। लेकिन इस बार जो कोरोना वायरस आया है वो न्यू है, वो अलग है और उसका एंटीडोट यानी कि उसका इलाज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। चलिए बात करते हैं कि कोरोना वायरस आखिर क्यों फैला, कैसे फैला और कहाँ से फैला। तो इस बार भी चाइना से ये कोरोना वायरस आया है। चाइना के गुहान शहर में लोग मांस खाने के बहुत शौकीन हैं, वहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं उन सबके मांस खाए जाते हैं। तो ये बताया जा रहा था WHO की रिपोर्ट में कि जो फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस आया था 2003-2002 में, वो कोरोना वायरस आया था चमगादड़ से। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि चमगादड़ से कैसे, तो वहां पे एक बहुत ज्यादा फेमस डिश है गुहान शहर में, चाइना के गुहान में, वो डिश है चमगादड़ का सूप। माय गॉड, मुझे तो सुन के ही ना बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। तो वहां चमगादड़ का सूप लोग ज्यादा पसंद करते थे और उसके अकॉर्डिंग लोगों में ये आ गया, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में और अब ह्यूमन से ह्यूमन में ये फैल रहा है। इस बार का जो कोरोना वायरस आया है WHO की रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ये रिपोर्ट पे दावा किया गया है कि इस बार जो कोरोना वायरस आया है वो सांप से आया है। तो सांपों के खानों के भी वहां पे लोग शौकीन हैं, तो सांप से ये इंसानों में आया, इंसानों से अब ये इंसानों में फैल रहा है। और ये सिर्फ इंसानों से इंसानों में नहीं फैल रहा है, ये जानवरों में भी फैल रहा है। सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, इराक और इसके अलावा बहुत सारे देश जैसे कि अमेरिका, इन सारे देशों में इसके केसेस पाए गए हैं। यहाँ तक कि हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश में भी एक पेशेंट पाया गया है जिसको हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित बताया जा रहा है। अब कोरोना वायरस से जो लोग संक्रमित हो जाते हैं उन्हें खुद पता ही नहीं चलेगा कि आखिर उनको हुआ क्या है, कि उसकी उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत नॉर्मल से हैं। सर्दी खांसी जुकाम होता है, हल्का फीवर आता है और आपको कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको सबको सर्दी जुकाम है या फीवर है उन सबको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और 3 वीक में आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो डॉक्टर्स हैं उनको, ज़्यादातर डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। अगर आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हो तो डॉक्टर को स्पेशली रिकमेंड कीजिए कि आप रोगों से लड़ने की जो आपके शरीर की क्षमता है वो बढ़े। अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है थोड़ा बहुत, तो अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा तो ईजिली आप उस इन्फेक्शन से बच जाओगे। बात करते हैं ये इतना खतरनाक वायरस क्यों है। तो जैसे क्लास में होते हैं ना,
कुछ बच्चे सीधे होते हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा खुरापाती होते हैं, तो ये वायरस उन्हीं की श्रेणी का है। प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि इस बार का जो वायरस है उसका एंटीडोट यानी कि उसका इलाज नहीं मिल रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टर रिसर्च पर रिसर्च किए जा रहे हैं, हर दिन नई नई खोजें आविष्कार किए जा रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है, अभी तक एंटीडोट नहीं बना है। तो अभी तक की अगर बात करें तो वुहान शहर को टोटली बैन कर दिया गया है चाइना में, बस ट्रेन एयरपोर्ट सब कुछ ब्लॉक है, वहां पे कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। इंडिया के 25 स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए हैं, उनको हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों से संपर्क ना करें जो इस रोग से ग्रसित हैं। अब देखो बात करते हैं इसके इलाज की कि आखिर हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इलाज बना नहीं अभी तक, बन जाए तो हमारी खुश नसीबी है और नहीं बना तो हमारी बदनसीबी है। तो इसका इलाज बस एक ही है, आपको ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतनी होगी, हाइजीन को कम्प्लीटली मेंटेन करना होगा। अगर आपके आसपास कोई इंसान संक्रमित हो जाता है तो आपने क्या करना है, जैसे पहले एक बीमारी कुछ टाइम पहले चली थी चिकन पॉक्स, उसमें क्या होता था कि पेशेंट का जो भी था सब कुछ अलग कर देते थे, बिस्तर खाने पीने का सामान, और उसको बिल्कुल एक अलग प्राइवेसी दी जाती थी। सेम टू सेम इस कंडीशन में भी आपको करना है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, हवा के द्वारा लोगों में फैल रहा है। आप बात कर रहे हो, आप छींक रहे हो, आप खांस रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये दूसरों में फैल जाएगा। आपको हुआ है, आपकी फैमिली में सबको हो जाएगा, आपके आसपास सबको हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है हाइजीन, आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाने से पहले फेस पे मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, हाथों में ग्लव्स पहनना, हाथों को बार बार साबुन से साफ करो अच्छे से। जब भी आप बाहर निकलते हो फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ मेन बात ये आती है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग मांस मदिरा ये सब खाते हैं, तो अगर आप खा रहे हो तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से कुक कीजिए, अच्छे से पका लीजिए। अन्यथा मैं तो रिकमेंड करूंगी कि फिलहाल जब तक ये सब चल रहा है खाना ही छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं WHO की रिपोर्ट की। तो हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बैठक बुलाई है, आपातकाल बैठक जिसका नाम है, उसके अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज को अलर्ट कर दिया गया है, सबको बता दिया गया है कि ये एक महामारी की तरह बीमारी फैलने वाली है। और सभी देशों में आसपास के जो चाइना के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं उन सभी में इसके एक एक दो दो केसेस देखे जा चुके हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए, भारत सरकार ने क्या तैयारी की है इसके लिए, उस पर बात करते हैं। तो हमारे देश की सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, हर एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, इंडिया के बाहर से आने वाले लोगों का खास ध्यान रखा जा रहा है, उनको टेस्ट करवाए जा रहे हैं उनके, तब उनको इंडिया में आने दिया जा रहा है जब ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि हाँ इनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि इससे जितने भी लोग हैं अभी तक बस मरे ही जा रहे हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। प्रॉब्लम घूम फिर के वही आ जाती है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है फिलहाल, तो आप राम भरोसे रहोगे, उससे तो बेहतर है कि आप अपने हाइजीन को कम्प्लीटली मेंटेन करें। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि मैं हेल्थ ब्यूटी की वीडियोस बनाती हूँ बट जब बात सुरक्षा की हो तो सबसे पहले उस टॉपिक पे बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट अभी तक पाए गए हैं उन सभी के सिम्टम सेम थे, सबको सर्दी जुकाम हल्का बुखार था। ये वायरस क्या करता है, आपको पहले सर्दी जुकाम करता है, उसके बाद होता है निमोनिया, और उसके बाद फेफड़ों को जाके ब्लॉक करता है, फेफड़ों में तकलीफ देता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, घबराहट होती है, और उसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। एक मोस्ट बात है, ये वायरस आखिर ऐसा क्या कर देता है, ये वायरस आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपके जो एंटीबॉडीज हैं उनको खत्म करता है, यानी कि आपके जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको खत्म करता है, और उसके बाद आपकी मौत निश्चित है। तो फिलहाल तो हर जगह बस एक ही हिदायत दी जा रही है, WHO भी यही बोल रहा है, गवर्नमेंट्स भी यही बोल रही है कि आप लोग कम्प्लीटली हाइजीन मेंटेन कीजिए, तभी आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, अन्यथा ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले लेगा।
और अभी इसका इलाज नहीं बना है। नोट करने वाली बात, हाँ इसका इलाज नहीं बना है, एंटीडोट नहीं बन पाया है, नहीं मिल रहा अभी तक इसका एंटीडोट। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग सांप बाप ऐसी चीजें खाते क्यों हैं। पहले सांप खा के खुद बीमार हुए, अब सबको बीमार कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक तो प्रकृति है, प्रकृति के साथ जितना दुर्व्यवहार करोगे उसका डंडा आप पे भी पड़ेगा। ठीक है, इंसानों ने हद कर दी है अपने स्वार्थ के लिए, मतलब जीव जंतुओं को, प्रकृति को कुछ समझ ही नहीं रहे, तो ये सब तो होना ही था। मुझे कितना सपोर्ट करते हैं आप लोग, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और अपना, अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का, सबका ध्यान रखें अच्छे से, क्योंकि ये वायरस अगर आपको लग गया ना, इसका इन्फेक्शन आपको हो गया ना, तब तो आपकी जिंदगी राम भरोसे ही है। सो गाइस, मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, जैसे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।